वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे टायर्स के बारे में जो कि आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाएंगे और साथ ही आपको रोड पर जब आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी ऑफर करेंगे, जिससे आपकी बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो जाएगी। बजाज की मोटरसाइकिल्स अपने हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए जानी जाती हैं और बजाज को अभी 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडियन मार्केट में बाइक्स बेचते हुए और इसमें इनकी जो बाइक्स है वो अनमैच्ड परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं। इसी वजह से इंडियन यंगस्टर्स की फेवरेट मोटरसाइकिल्स बजाज की होती हैं। तो इस मोटरसाइकिल में आज के इस वीडियो में मैंने टायर्स चेंज करे हैं, दोनों टायर्स चेंज करे हैं, सीएट जूम X3 डाला है। तो हम चेक करते हैं कि ये टायर्स इंडियन रोड्स पर कैसा परफॉर्म करते हैं और आपको ये टायर्स डालने चाहिए या नहीं, और इन टायर्स को डालने से बाइक की राइड क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और एक बात हम सबको मालूम है कि बजाज की जो पल्सर सीरीज है ना, वो इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है। और ये जो मोटरसाइकिल है ये एक लेजेंड मोटरसाइकिल है परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसके तो परफॉर्मेंस के चर्चे रहे हैं एक टाइम पर मार्केट में। तो इसमें आपको अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जरूरत होती है अच्छे टायर्स की, क्योंकि वो आपकी कंट्रोलिंग को इंप्रूव करेंगे, आपकी हैंडलिंग को इंप्रूव करेंगे, मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग को इंप्रूव करेंगे। बहुत सारी चीजें टायर्स से इन्फ्लुएंस होती है मोटरसाइकिल में। तो इसीलिए सीएट ने पल्सर मॉडल्स के लिए ये सीएट जूम X3 टायर्स डिजाइन करे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी और ये पल्सर के सभी मॉडल्स के लिए सूटेड है और ये हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए सूटेबल है। तो आइए अब हम राइड करके देखते हैं कि इस मोटरसाइकिल में सीएट के फ्रंट और रेयर दोनों जगह जूम X3 टायर्स डालने के बाद क्या डिफरेंसेस आए हैं और इसकी राइड क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा है। और आप देख सकते हैं जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है और मोटरसाइकिल मुझे ना बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस दे रही है चलाने के लिए, बहुत अच्छे से स्टेबल फील हो रही है, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्नरिंग पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो गई है और कॉर्नरिंग पर बाइक स्टेबल तो चल ही रही है, उसके साथ साथ ना प्लांटेड चल रही है। और ये सीमेंटेड रोड है जिसमें क्या है ना माइनर अंड्यूलेशन है थोड़े थोड़े, तो सीमेंटेड रोड पर भी बहुत अच्छे से बाइक प्लांटेड चल रही है। और इस टायर में जो ज़िगज़ैग सेंट्रल ग्रूव दिया हुआ है उससे इसकी वेट रोड्स पर बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है आपको, और साथ ही स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी तो है ही बहुत जोरदार, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको विंड ब्लास्ट से समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। और इस टायर में सेंटर टू शोल्डर लैटरल ग्रूव की वजह से इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है, स्पेशली वेट रोड्स पर। तो वेट रोड्स पर अगर आप ब्रेकिंग भी करते हैं तो वहां पर आपको ये टायर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। और इस मोटरसाइकिल में जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ना दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, तो डिस्क ब्रेक के साथ क्या जरूरत है आपको हाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ अच्छे टायर्स की। तो बहुत सी मोटरसाइकिल्स में आजकल ABS भी आ गए हैं, डिस्क ब्रेक्स भी आ गए हैं, बट ABS और डिस्क ब्रेक्स तभी अच्छे से काम करते हैं जब ब्रेक पैड्स की कंडीशन और टायर की कंडीशन अच्छी हो। और एक चीज और इंप्रूव जो हुई है वो हुई है इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो है टायर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो टायर्स डालने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस टायर का यही है कि इससे सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, क्योंकि हैंडलिंग बहुत अच्छी हो गई है मोटरसाइकिल की और हैंडलिंग के साथ साथ ना सुपीरियर कंट्रोलिंग आपको मिलती है, तो कंट्रोल मोटरसाइकिल आपके हाथ में आसानी से हो जाएगी, तो इससे आपकी सेफ्टी बढ़ती है और ब्रेकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रिप अच्छी आपको मिलेगी, मोटरसाइकिल इजीली स्किड नहीं करेगी। तो ये सब चीजों से आपकी सेफ्टी जो है वो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी। और ये जो सीएट जूम X3 टायर है ये पल्सर 220, पल्सर 150 और पल्सर 180 इन तीनों बाइक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें भी फिट हो जाएगा, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप तीनों बाइक्स में इसको यूज कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इतना मैंने मोटरसाइकिल को इस टायर को चेंज करने के बाद चलाया तो उसमें मुझे राइड एंड हैंडलिंग में क्या डिफरेंसेस लगे। बहुत सारे डिफरेंसेस तो मैंने आपको चलते में बताई दिए थे, रियल टाइम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन अब एक बात अगर मैं आपको बताऊं बहुत डीपली, तो इसमें सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट यही हुआ है कि इसमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी मोटरसाइकिल की बहुत इंप्रूव हो गई है, क्योंकि 220 जो है वो बहुत ही आसानी से केपेबल है कि वो 150 तक की स्पीड टच कर लेती है, 140-150 तक की स्पीड टच कर लेती है। तो इतनी हाई स्पीड पर भी ना मोटरसाइकिल मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही थी और साथ ही कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी इसमें मुझे मिल रही थी। और एक बात इसमें और है कि ये ट्यूबलेस टायर्स है, तो ट्यूबलेस टायर्स क्या है ना एकदम से डिफ्लेट नहीं होते कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगने के बाद, तो इस पे आपको एडवांटेज ही मिलता है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी अपनी बाइक से चले जाते हैं इन टायर्स के साथ, क्योंकि ये ट्यूबलेस है तो ये एकदम से डिफ्लेट नहीं होंगे और आपकी राइड जो है वो बहुत अच्छे से हेजल फ्री तरीके से पूरी हो जाएगी। तो अब आपको रोड देखकर राइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे टायर्स हैं जिनमें चाहे ऑफ रोड हो या ऑन रोड हो आप दोनों जगह ही आपको बहुत अच्छी ग्रिप ऑफर करेंगे और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। चाहे आप सीमेंटेड रोड्स पर चलें, चाहे आप ऐसे टैमैक रोड्स पर चलें, दोनों जगह आपको जो ग्रिप है टायर्स से बहुत अच्छी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।